हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के बारे में, विद रियल एग्जांपल समझेंगे। तो आप लास्ट मोमेंट तक इस लेक्चर को वॉच करें, डेफिनेटली आपको प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बेटर जानकारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक पैकेज क्रिएट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए कंपनी नेम से, और इसके इनसाइट एक क्लास बना लेते हैं एम्प्लॉय नेम से। इस तरीके से अब ये जो एम्प्लॉय नेम की क्लास है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर इस क्लास के मेंबर को अगर आप प्राइवेट बनाते हैं, मैं यहाँ पर इंटीजर में आईडी ले रहा हूँ और इसको प्राइवेट बना रहा हूँ, इसमें 101 मैंने असाइन किया और क्या बना दिया इसको मैंने, प्राइवेट बना दिया। तो इसका स्कोप इस क्लास के इनसाइड ही रहेगा, इस क्लास के बाहर से आप इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं करके बताता हूँ आपको, कंपाइलर एरर देगा यहाँ पर। क्या करना होता है आपको, एम्प्लॉय नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है और इस ऑब्जेक्ट को इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन करना होता है इस तरीके से। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, और इससे आप उसके इनसाइड की क्लास को कॉल कर दें। इसके बाद जैसे ही आप इस आईडी को एक्सेस करना चाहेंगे यहाँ से, यानी कि आईडी को एक्सेस करके प्रिंट करवाना चाहेंगे, तो कंपाइलर एरर देगा इस तरीके से। इस रेफरेंस से जब मैं यहाँ पर आईडी को कॉल करूँगा तो कंपाइलर एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये जो आईडी है ये प्राइवेट है। तो फिर क्या किया जाए? तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है, इसके लिए गेटर सेटर बनाना है। जब भी आप किसी क्लास के मेंबर को प्राइवेट बनाएं तो उनके लिए सेट करने के लिए मेथड बनाएं, गेट करने के लिए मेथड बनाएं और वो पब्लिक बनाएं। और इक्लिप्स आईडी में बहुत आसान है ये बनाना, आपको अलग से कुछ नहीं करना होता। आपको क्या करना होगा, आपको अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस ये प्रेस करना है, ऑप्शन ओपन होगा। किस तरीके से ऑप्शन ओपन होगा मैं दिखा देता हूँ आपको। अल्ट शिफ्ट एस मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए ये जनरेट गेटर सेटर का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप क्लिक करें, इसे टिक मार्क करें और ओके प्रेस कर दें, तो ये गेटर सेटर खुद बना देगा, यानी कि सेट करने के लिए भी मेथड बना देगा, गेट करने के लिए भी मेथड बना देगा। तो अब आपको जो वेरिएबल है आईडी, इसके इनसाइड जो वैल्यू है, अब यहाँ से नहीं सेट करना है, अब आपको यहाँ से रन टाइम पर सेट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान है। इस रेफरेंस से सबसे पहले आप सेट आईडी को कॉल करें, यहाँ से 101 भेज दें और फिर आप प्रिंट करवाएं। प्रिंट करवाने के लिए आप क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एम्प्लॉय आईडी, ओके। और यहाँ पर इस रेफरेंस से मैं कौन सी मेथड को कॉल करूँगा, गेट आई डी नेम की मेथड को कॉल करूँगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये गेट आई डी नेम की मेथड है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको कॉल करूँगा तो अब यहाँ से वैल्यू सेट हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू गेट हो जाएगा। फ्लो किस तरीके से चल रहा है, एग्जीक्यूशन यहाँ से होगा। आपने ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय नेम की क्लास का, तो एम्प्लॉय नेम की क्लास को ये कहाँ ढूंढेगा, आपने पैकेज इम्पोर्ट कर रखा है कंपनी, ये कंपनी के अंदर जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद फिर इन सबको रीड करेगा, रीड करने के बाद यहाँ से जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ से आपने सेट आईडी को कॉल किया 101 डालकर, तो यहाँ से सेट आईडी नेम की मेथड को देख लेगा, इसके अंदर 101 डालेगा और 101 यहाँ से इस आईडी में पास हो जाएगा जो कि प्राइवेट है, ओके। इसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर इस रेफरेंस से गेट आईडी को कॉल कर रहे हैं, तो जो आईडी वहाँ पर सेट हुआ है इस मेथड के थ्रू, यहाँ से वो आईडी रिटर्न होगा और रिटर्न होकर किसे मिलेगा, जहाँ पर आप कॉल कर रहे हो यहाँ पर, यानी कि 101 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर आपने एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, तो पहले एम्प्लॉय आईडी कॉलन प्रिंट होगा, उसके बाद में 101 प्रिंट होगा। मैं बिल्ड एंड रन करके बताता हूँ आपको यहाँ पर इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप जावा प्रोग्रामिंग में प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ किस तरीके से करते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।